नमस्कार, मैं शिवानी सिंह और आप देख रहे हैं द फेस ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र के मुंबई में बीएमसी कोविड के इंद्र भ्रष्टाचार मामले में ईओवी ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों की गिरफ्तारी बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया के मामले में हुई है। आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में केस दर्ज होने के बाद इस मामले को आर्थिक अपराध शाखा को ट्रांसफर कर दिया गया था। यह शिकायत सोमैया ने दर्ज कराई थी। मुंबई पुलिस की वित्तीय अपराध जांच विभाग ने यह कार्रवाई की है। मामले की जांच की जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम राजीव सालुनखे और सुनील कदम है। सोमैया ने इस घोटाले के मामले में शिवसेना ठाकरे समूह के मुख्य पदाधिकारियों पर आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी संजय राउत के करीबी हैं। इस वजह से राउत की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इस मामले में घोटाले का आरोप लगाया था और आजाद मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। सोमैया की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और ईडी मामले की जांच कर रही है। सोमैया ने आरोप लगाया था कि यह घोटाला महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान हुआ था और तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के दबाव में संजय राउत के इशारे पर इस कंपनी को ठेका दिया गया था। आरोपी संजीव नंदन कुमार सालुनखे की पारल अस्पताल के पास चाय की दुकान है। उसके साथ सुनील कदम को भी गिरफ्तार किया गया था। दोनों की गिरफ्तारी भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 465, 467, 468, 471, 304A के तहत हुई है। दोनों आरोपियों को कल यानी मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया है। अदालत ने दोनों अपराधियों को 6 मार्च 2013 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच कर प्रथम दृष्टि सबूत हासिल करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। Thank you.